IAS IPS होने के लिए ग्रेजुएट होना पड़ता है, PM या CM बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है, क्या बता सकते हैं? डू यू नो दैट? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता दीदी का पढ़ाई के बारे में, इन लोगों ने कितना दूर तक पढ़ाई किया। मोदी जी जन्म लिया था 1950 में, हायर सेकेंडरी पास किया था विद्यानगर पे 1967 पे जब उनका उम्र था 17। उसके बाद 28 साल की उम्र में पॉलिटिकल साइंस लेके ग्रेजुएशन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया था, थर्ड क्लास मिला था। उसके 5 साल बाद जब उम्र 33 था 33 मास्टर डिग्री किया था वही सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से गुजरात यूनिवर्सिटी से। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ममता बनर्जी। शी बॉर्न इन 1955, हायर सेकेंडरी पास किया था 15 साल की उम्र में 1970 पे देशबंधु शिशु शिक्षालय से। उसके बाद हिस्ट्री लेके बैचलर डिग्री किया था जोको माया देवी कॉलेज से। मास्टर डिग्री किया था इस्लामिक हिस्ट्री लेके यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। उसके बाद एडुकेशन लेके भी कुछ पढ़ाई किया था शिक्षायतन कॉलेज पे। उसके बाद कोलकाता के जगदीश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से लॉ डिग्री भी लिया था। उसके बाद 2 डॉक्टरेट डिग्री भी है, एक किया था लिटरेचर लेके कलकत्ता यूनिवर्सिटी से और दूसरा है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सर के सारे नेट से मिला हुआ इन्फॉर्मेशन है। सो इसका सच क्या है झूठ क्या है मुझे नहीं पता। ये था एडुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ 2 पावरफुल पर्सन ऑफ इंडिया। वन इज नरेंद्र मोदी हु इज नाउ PM इन आवर कंट्री एंड another is Mamata Banerjee who is CM in West Bengal. Thank you. Goodbye.